तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि आपने कभी मुंह से अंडे देने वाला कोबरा सांप देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज की वीडियो में आपको साथ-साथ हम दिखाएंगे कि कोबरा सांप कैसे अपने मुंह से अंडे दे रहा है और जो कि वहाँ की पब्लिक खड़ी है वो कैसे उनकी आगे मिट्टी की खड़ी रह गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, भारत देश का एक ऐसा सांप जो कि अपने मुंह से अंडे दे रहा है। तो दोस्तों, ये वाकई में सच बात है कि कोबरा सांप या कोई भी दुनिया का सांप मुंह से अंडे दे सकता है। तो दोस्तों, ये घटना यूपी उत्तर प्रदेश की है, जो कि हमारे सर, बड़े सर बापीदा सर, जो कि सैनिक एक्सपर्ट बापीदा उनका नाम है, तो वो कहीं पे सैनिक रेस्क्यू करने गए थे और वहां पर उनको एक कोबरा सांप मिला और कोबरा सांप ने पहले से 2-3 अंडे खाए हुए थे मुर्गी के। और जैसे ही कोबरा सांप को बापीदा सर ने पकड़ा तो वो कोबरा सांप क्या करा, वॉमिटिंग कर दिया, यानी उल्टी कर दिया। तो दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, हम मिलते हैं वीडियो के बाद। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वाकई में कोबरा सांप अपने मुंह के अंदर से अंडों को निकालना, ये कि सच बात है कि कोई भी सांप अपने मुंह से अंडे दे सकता है। तो दोस्तों, ये सरासर गलत बात है। कोई भी दुनिया का सांप अपने मुंह के अंदर से अंडों को नहीं दे सकता। वो अंडों को वैसे ही देगा जो कि उसको कुदरत ने, भगवान ने बनाया, वैसे वो अंडे देगा। तो दोस्तों, आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि कोई भी दुनिया का सांप हो, अगर उसने पहले से कुछ खाया है, यानी कोई बकरी का बच्चा हो, कोई मुर्गी का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, उसने पहले अगर खाया है तो वो क्या करेंगे, हम जब सांप पकड़ने जाएंगे तो उसकी पूंछ या उसको कैसे भी पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ भी वो खाया हुआ हो तो वो जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकाल देगा, यानी वो उल्टी कर देगा। क्योंकि दोस्तों, सांप इतना भारी होने के कारण उस खाने की वजह से और उसे आलस आ जाता है, जिसके कारण वो उसको वॉमिटिंग यानी उल्टी कर देता है। उसके बाद वो बहुत ही हल्का होने लगता है। तो दोस्तों, बाद में वो फिर भागने का प्रयास करता है, इसी कारण वो बाहर अपने जो भी खाया है वो बाहर फेंक देता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो नए नए देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मन करे तो फॉलो करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए।